हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका दोस्त प्रदीप गौड़ एडवोकेट। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूंगा, कोर्ट मैरिज के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने आवश्यक हैं और कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़के और लड़की की उम्र कितने वर्ष तक की होनी आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी कि घंटी को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़के और लड़की की उम्र कितने वर्ष तक की होनी आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की दोनों बालिग होने चाहिए। बालिग का मतलब यहाँ पर 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेने से नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में यह प्रावधान है या बताया गया है कि शादी करने के लिए लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज आपको देने होंगे, कौन कौन से ज़रूरी प्रपत्र की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको 3 आईडी देनी होंगी। पहला तो पहचान पत्र, जिससे आपकी पहचान हो सके, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि। दूसरा बर्थ प्रूफ, जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, आपकी जन्मतिथि लिखी हो, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट अर्थात जन्म प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या हाई स्कूल की मार्कशीट आदि, कोई भी प्रपत्र दे सकते हैं। और तीसरा एड्रेस प्रूफ, जिसमें आपका संपूर्ण एड्रेस लिखा हो, आपका पूरा पता लिखा हो, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र या वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आदि। दोनों लड़के और लड़की दोनों में सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और लड़के और लड़की की 5-5 फोटोग्राफ्स देने होंगे, प्लस 2 विटनेसेस, 2 गवाह होने आवश्यक हैं। दोनों गवाहों की आईडी प्रूफ और फोटोग्राफ्स होने आवश्यक हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको अगले वीडियो में बताएंगे शादी करने का अर्थात कोर्ट मैरिज करने का संपूर्ण प्रोसेस क्या है। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रदीप लीगल हेल्प को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।